दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आ चुका आपका भाई लेकर के बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर के, जो गाइस बहुत ही कमाल का होने वाला है। एंड गाइस, आपको पता है कि 2023 आने वाला है, यानी दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है। तो आप सभी लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो न्यू ईयर का स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो गाइस, आप लोग में से जो जो हमें स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको गाइस पता होगा कि न्यू ईयर के साथ साथ और क्या क्या होता है। तो गाइस, फर्स्ट कहना क्या चाहते हो, फर्स्ट जनवरी को और क्या क्या होता है। जो भी हमें स्टार्टिंग फॉलो कर रहे हैं उन भाई लोग को पता होगा कि फर्स्ट जनवरी को और क्या क्या होता है। तो भाई लोग, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट जनवरी को न्यू ईयर के साथ साथ और क्या क्या है। जिनको पता होगा वो पहले से विश कर दीजिएगा, और उस दिन तो करना ही होगा। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो गाइस, आज के वीडियो में आपको भाई लेकर के आ चुके हैं बहुत कमाल का इंटरेस्टिंग न्यू ईयर के ऊपर वीडियो ट्यूटर लेकर के, जो कि आगे आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। तो इस प्रीव्यू के लिए आपको क्या करना है, प्यारा से लाइक करना है, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे जरूर से कर लेना है, क्योंकि गाइस आपका भाई इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट में वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग प्रीव्यू को देख लेते हैं, लेट्स गो। रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा, नहीं तो गाइस आप लोग को आज का यह वीडियो जो है थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा, नहीं तो गाइस आप लोग को वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई होप गाइस आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। एंड गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जो पहला प्रोसेस है यहाँ पर आपको इस प्रकार का शॉर्ट्स क्रिएट करने के लिए आपको अलाइट मोशन की एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ में आपको एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको आगे पता चल जाने वाला है। एंड गाइस, पहले आपको बता देगा, इसके यहां पर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का रेजोल्यूशन दिखाई दे रहा है। तो गाइस, यहाँ पर इसकी जो जरूरत पे आओगे आपको पढ़ने वाली है। एंड गाइस, उससे पहले आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में आपको सारे मेटल देखने मिल जाएगा, जैसे सॉन्ग बीट मार्क का पिछड़ XML फाइल, तो उससे जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। गाइस, डाउनलोड करने के बाद उसके आएगा जो प्रोसेस, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो गाइस, आप जब डाउनलोड करके सीधे इसमें इंपोर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट पर जाना है, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से न्यू ईयर का सॉन्ग बीट मार्क है कि फिर कुछ प्रकार से दिखाई दे देगा। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन पे आने के बाद आपको इस प्रकार से प्लस पर क्लिक करना है, ठीक है। और गाइस, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है कि यहाँ पर 9:16 का रेजोल्यूशन चूज कर लेना है, और यहाँ पर आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर जाना है। और गाइस, यहाँ पर आपको जिस भी फोटो लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फोटो को लेने के बाद थियोट पे क्लिक करूंगा इस प्रकार से, और यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके सिंपल इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। और गाइस, हम आप सेटिंग बल्ब इस पर क्लिक करके कम से कम आपको 7 से 8 या 10 फोटो को भी आपको कन्वर्ट कर रख लेना होगा। अगर आप पहले से किए तो करने की जरूरत नहीं है। एंड गाइस, जो आप अभी ये करेंगे 9:16 का रेजोल्यूशन वाला, इसी को आपको क्या करना होगा, आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है, और यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड इसे इरेज कर लेना होगा 5-6 फोटो को, उसकी जरूरत आपको आगे पड़ने वाली है, ओके। तो गाइस, इतना आपको करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर और क्या करना होगा, आपको एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, आपको भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर आएंगे प्रीसेट में, तो यहाँ पर आपका जो इस प्रकार से न्यू ईयर का सॉन्ग बिटमार्क है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और गाइस, यहाँ पर आप देखने देखा होगा तो यहाँ पर आपको 3, 2, 1 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस, उसे कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम इसक्रिप्ट क्या करेंगे, अपना जो आपका पिक्सल है इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। और गाइस, यहाँ पर आपको पिक्सल इस प्रकार से ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से इसको कैंसिल कर देना है, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और इमेज साइज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो साइज आपका यहाँ पर रहने वाला हो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर गाइस, जो आपका साइज रहेगा वो रहेगा 900, और यहाँ पर गाइस रहेगा आपका 1600, ठीक है, यानी कि 900 और 1600 इतना आपको इस प्रकार से कर लेना है। अब गाइस, इतना करने के बाद यहाँ पर आपको इसका जो जो दिखा है इस पर क्लिक करना है, और एडिट पर क्लिक कर देना है। अब गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइप 3, ठीक है, इस प्रकार से 3 टाइप हो जाएगा, और यहाँ पर इसको ओके कर देना है ऊपर में क्लिक करके, और इसको इस प्रकार से इसको बड़ा करना है कुछ इस प्रकार, ठीक है। और गाइस, स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है, आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फॉन्ट, तो फॉन्ट पे क्लिक करना है। आपको अलग से फॉन्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर वो चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर गाइस, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये वाला मार्क आपको दिखाई दे रहा है सिंपल इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार के एनिमेशन के साथ ये आपका 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से गाइस, आप 3, 2, 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको इस प्रकार से होम स्क्रीन पर आना है, और इसका जो इरेज पार्ट
पार्ट इसको इरेज कर देना है और यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करके इसको सेव एज इमेज कर देना है और आपका जो क्वालिटी रहेगा नॉर्मल यही ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। इस इतना आपको कर देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3, 2, 1 सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब गाइस इतना आपको करने के बाद आपका जो अलर्ट मिशन इसको ओपन कर लेना है एंड गाइस इसको ओपन करने के बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आना और यहाँ पर गाइस आपको जो ब्लू कलर का यहाँ पर जो पर्पल कलर का मार्क दिख रहा है सिंपल इस पर क्लिक करना है और कर्व पे क्लिक करके स्टार आइकन पे इस प्रकार से क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। तो गाइस हमने पिक्सल ऐप से क्रिएट किया था या कुछ इस प्रकार से एनिमेशन क्रिएट हुआ है, यहाँ पर गाइस हम 3 पे क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करके इसको ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस कुछ प्रकार से जो हमारा पर्पल कलर का मार्क है सिंपल यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करके इसको इसके अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से ऐड करना है, ठीक है। तो गाइस ये कुछ इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। अब गाइस ऐड हो जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके आगे जाना है और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा 2, तो यहाँ पर सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और कर्व पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमारा 2 पार्ट है उस प्रकार से आपके जो क्रिएट करेंगे आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो गाइस हम जो है 2 पार्ट है यहाँ पर इसको इस प्रकार से यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है। स्क्रॉल करके आपको आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा इस यहाँ पर जो लिखा हुआ 1, ठीक है। तो हम इस पर क्या करेंगे, 1 पे क्लिक करेंगे और कर्व पे क्लिक करके यहाँ पर हम जो 1 लिखे हैं 1 पे क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। जो ये ब्लू कलर का मार्क दिख रहा है इस पर भी क्लिक करके आपको 1 ऐड कर देना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार जो ये ब्लू कलर का मार्क दिख रहा है यहाँ पर भी 1 ऐड होगा, तो कर्व पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है और गाइस इस प्रकार से आपको जो 1 दिख रहा है 1 पे क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। अब गाइस इतना करने के बाद यहाँ पर आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो ये रेड कलर का मार्क है ऊपर लिखा हुआ लेट्स गो क्रिएट, तो आपको गाइस पिक्सल लैब से ही क्रिएट करना है, कर्व पे क्लिक करके इस प्रकार से ऐड करना है और गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लेट्स गो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आपको उस वही वाला फॉन्ट यूज करना है जो यहां पर हमने ये यूज किया था, इसी फॉन्ट को यूज करके आपको लेट्स गो लिख देना है, ठीक है। अब गाइस लिखने के बाद उसको सेव कर लीजिएगा और यहां पे आपको ऐड कर देना है, यहां पर मैं लिख के आपको दे दिया हूं, ठीक है। अब गाइस इतना करने के बाद आपको स्क्रॉल करके आगे जाना है। अब गाइस यहां पर आपको कौन सा क्या करना है, आपको प्लस पे क्लिक करना है, गाइस मीडिया पे जाना है और यहां पर नाम पर क्लिक करके आपको जैसे भी आप फोटो को किए रहेंगे आपको उसको ओपन कर लेना होगा और इस फोटो पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है और आपका जो नेक्स्ट बीट है कुछ प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब गाइस स्क्रॉल करके आपको नीचे लाना है कुछ प्रकार से, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर जो हमने इफेक्ट क्रिएट किया था इसी के नीचे आपको सिंपली ला के कुछ इस प्रकार से छोड़ देना है। अब गाइस इस पर इफेक्ट लगाना है, तो बैक करके हम इस प्रकार से अपने सेक इफेक्ट में आते हैं, जो हमारा पहला इफेक्ट है इस पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और गाइस बैक करके आपका जो बीट मार्क है इसको ओपन कर लेना है। स्क्रॉल करके आगे जाने के बाद गाइस जहाँ जहाँ हमारा एनिमेशन क्रिएट होगा वहां पर हमारा यही वाला इफेक्ट लगेगा, तो सिंपली हम इस फोटो पे क्लिक करते हैं और इफेक्ट को यहां पर हम ऐड कर देते हैं। अब गाइस यहां पर इतना कर देने के बाद आपको स्क्रॉल करके आगे जाएंगे तो यहां पर हमारा डबल बीट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है। तो गाइस यहां पर आपको फोटो ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक कर लीजिएगा और मीडिया पे चले जाइएगा और यहां से लेकर करके सिंपली थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर दीजिएगा और नेक्स्ट आपका जो बीट मार्क है यहां पर इस प्रकार से मिला दीजिएगा। अब गाइस यहां पर जो ये शैडो है और ये दोनों जो दिखाई दे रहा है इसका भी काम है वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अब गाइस पर जो ये फोटो दिखाई दे रहा है इस पर इफेक्ट कौन सा लगाना और यहां से लेकर के आगे जब आएंगे तो आपका नेक्स्ट हमारा डबल बीट आएगा, तो हमारा ये डबल पार्ट जो डबल बीट कुछ प्रकार से हमारा एंडिंग है, ठीक है, ये एंडिंग पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा आएगा तो यहाँ पर एंडिंग पार्ट है, तो यहाँ पर हमारा जो है लगेगा, तो बैक करके अपने सेकंड इफेक्ट में जाएंगे और हमारा जो सेकंड इफेक्ट सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और आपका जो बीट मार्क इसको इस प्रकार से इजीली ओपन कर लेना है। इसको ओपन के बाद स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है और गाइस जो हमारा ये वाला एनिमेशन दिखाई दे रहा है सिंपल इस पर क्लिक करके यहाँ पर इस इफेक्ट को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अभी गाइस जो यहाँ पर ये 2023 लिखा हुआ है शैडो है इसको आपको आगे जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो आप ध्यान से देखते रहिए। अब गाइस ये वाला इफेक्ट आपको फोटो के अकॉर्डिंग बीट में बीच में जितने बीट दिख रहा है बीट के अकॉर्डिंग आपको फोटो को अटैच कर लेना है। अब गाइस आपका जो यहाँ तक ये पार्ट, ठीक है, इस एनिमेशन के पहले जो आपका लॉन्ग बीट मार्क है सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा और फोटो पे क्लिक करके इसको थर्ड पे क्लिक करके फिर सेव पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है और जो इफेक्ट अभी हम कॉपी किया सिंपली उसी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब गाइस हमने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि आपको बैकग्राउंड कुछ रिमूव कर लेना होगा, तो यहाँ पर गाइस बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद यहाँ पर हमारा जो ऐड होगा इस पर क्लिक करेंगे और कर्व पे क्लिक कर देंगे, आपको बैकग्राउंड जो यहाँ पर रिमूव करेंगे तो आपके कुछ प्रकार से देखने को मिल जाएगा, आपके डाउनलोड फोल्डर में आएगा। तो यहाँ पर गाइस हमने पहले से यहाँ पर क्रिएट करके रखा है, तो हमारा जो कौन से फोल्डर में यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं, तो गाइस हमारा जो फोटो है ये कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्रिएट करके रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हम इस फोटो को ले लेते हैं और इस प्रकार से ऐड कर देंगे, जो कि आपने ऑलरेडी प्रीव्यू में देखा होगा। तो यहाँ पर गाइस हम इस प्रकार से क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो गाइस ठीक है, हमारा जो ये फोटो कुछ प्रकार से मतलब ये ऐड हो गया है, तो आपको भी बैकग्राउंड को इरेज कर लेना होगा। अब गाइस इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट बीट पर आएंगे तो यहाँ पर आपका डबल बीट फिर से स्टार्ट होता है, तो सिंपली आपको प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और गाइस नाम पर क्लिक करके आप कोई भी गर्ल्स का फोटो कुछ भी आप अटैच कर सकते हैं, सिंपली इस पर क्लिक करिएगा, थर्ड पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है।
सो गाइस हमने पहला इफेक्ट लगा लिया और सेकेंड इफेक्ट भी लगा लिया। अब गाइस बच्चा हमारा थर्ड इफेक्ट जो कि हमारा डबल बीट के अकॉर्डिंग इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से लेकर के आपका जो नेक्स्ट डबल बीट आएगा सिंपली गाइस यहाँ तक आपका जो ये वाला इफेक्ट ऐड होगा, सॉरी गाइस यहाँ तक ये जो इफेक्ट है वो ऐड होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस आपको सबसे पहले बैक कर लेना है और आपको अपने सेक इफेक्ट में आ जाना है कुछ इस प्रकार से। और गाइस यहाँ पर आपका जो थर्ड वाला इफेक्ट है इस पर किस प्रकार से कॉपी इफेक्ट कर लेना है और आपका जो बीट मार्क इसको ओपन कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है। गाइस हमने पहला इफेक्ट लगा लिया और ये दूसरा हो गया, और गाइस आगे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये कुछ इस प्रकार से हमारा तीसरा इफेक्ट स्टार्ट होता है। गाइस अभी वाला इफेक्ट कहाँ से कहाँ तक लगेगा तो गाइस यहाँ पर आपको आगे जाना है, बीट इसमें जितने भी बीच में बीट है बीट के अकॉर्डिंग आपको फोटो को अटैच करना है। गाइस इतना करने के बाद यहाँ पर जो है आपका ये वाला इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है सिंपली यहाँ तक आपको इसके पहले फोटो जो दिख रहा है सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिएगा और थर्ड पे क्लिक कर इसको फुल स्क्रीन कर देना और बच्चों भाग को इस प्रकार से कट कर देना है और इस प्रकार से इसको यहाँ पर हम इफेक्ट को ऐड कर दिए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से ये दो इमेजेस है, यहाँ पर आपको कर्व पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपका फोटो का साइज रहेगा वो 9:16 का रेजोल्यूशन रहेगा जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर इसको क्लिक करके आपको यहाँ पर हम इफेक्ट के साथ यहाँ पर अटैच कर देते हैं। तो गाइस हमारा जो इस इफेक्ट के साथ हमारा ये फोटो अटैच हो गया। अब गाइस जो नीचे आएंगे जो आपका रेड कलर का मार्क है यहाँ पर लिखा है बॉटल वीडियो क्लिप, तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में बॉटल का जो वीडियो क्लिप है वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा, इसलिए आपके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर हम जो बॉटल का इमेज है वो हमने यहाँ पर डाउनलोड करके यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब गाइस आगे जाना है आपको, आगे जाने के बाद यहाँ पर जो आपका एनिमेशन दिखाई दे रहा है सिंपली यहाँ पर हमारा कौन सा इफेक्ट लगेगा तो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, जो आपने 9:16 का रेजोल्यूशन क्लिक किया था ना उसी फोटो को आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो कल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने जो फोटो 9:16 का रेजोल्यूशन क्लिक क्रिएट किया था सिंपली को ऐड करके प्लस पे क्लिक करके इसको ऐड कर देना है, इजीली आपका ऐड हो जाएगा। आपका फोटो आपको इस प्रकार से आपको साइड में करके इसको सेट कर देना है। फिर आपको इस आगे जाएंगे तो आपका कुछ एनिमेशन दिखाई दे रहा था, यहाँ पर आपको क्या करना है सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर फुल स्क्रीन इस प्रकार से कर देना है और जो आपका नेक्स्ट बीट है कुछ प्रकार से आपको मिला देना है, ठीक है। अब गाइस आपको पता है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके आपको सबसे पहले नीचे आना है और जो आपका ये एनिमेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस आपको इफेक्ट ऐड करना है। तो गाइस कौन सा इफेक्ट ऐड होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर गाइस हमने यहाँ ब्लू कलर का मार्ग रखा था यहाँ पर भी आप चाहे तो अटैच कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया था। यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे सिंपली और यहाँ पर इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका इसको इस प्रकार से आपका हो जाएगा जो कि बहुत यूनिक लग रहा है। फिर गाइस आपको ये नेक्स्ट बीट दिखाई दे रहा है जो कि डबल बीट के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर आप सिंपली कोई फोटो अटैच कर लीजिएगा, थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब गाइस इस पर इफेक्ट कौन सा लगेगा तो यहाँ से लेकर के आपका जो लास्ट में जितने भी आपका बीट है बीट के अकॉर्डिंग आपका इफेक्ट लगेगा। तो बैक करके अपने सेक इफेक्ट में जाइएगा और जो लास्ट वाला आपका इफेक्ट सिंपली इस पर किस प्रकार से क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा और आपका जो बीट मार्क इसको इस प्रकार से ओपन कर देना है। और गाइस लास्ट वाला जो आपका डबल बीट है कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्लिक करके इस इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। अब गाइस ये वाला इफेक्ट पूरा लास्ट तक लगेगा। अब गाइस इतना कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ पर आपका जो ये शैडो है आपका जो लिखा हुआ है पीएनजी वगैरह आपको इसको सबसे पहले ऊपर लाना है कुछ इस प्रकार से और शैडो नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका लाइटिंग दिखेगा जो कि बहुत यूनिक बहुत ही कमाल का लगेगा। अब गाइस हम आपको बताते हैं कि ये जो हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो अपने सबसे पहले यहाँ पर जो हमने पहले क्रिएट किया था इसको हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमने कुछ प्रकार से इसको क्रिएट किया था कुछ प्रकार से आपको जो देखने को मिल रहा है। तो गाइस इस प्रकार से आपने क्रिएट करके इसको अब क्या करना है आपको गैलरी में सेव करना है। तो सिंपली गाइस सेटिंग में बॉक्स पर क्लिक कर लीजिएगा और इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, कम से कम आपका 10 से 15 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।